केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। पंचायत चुनाव को लेकर के वोटिंग शुरू हो चुकी है, यानी कि जनता अपना मत देने लगी है इस मत में कि आखिर उन्हें कैसा प्रत्याशी चाहिए। अभी भी कई चरणों के वोटिंग बचे हुए हैं और जनता बेहद जागरूक हो चुकी है और जानती है कि आखिर उसे किसे चुनना है। हमारी टीम भी लगातार लगी हुई है ये आपको बताने में कि इस बार ये पंचायत चुनाव का रुख कैसा है। इसी क्रम में हमारी टीम पहुंची गोपालपुर प्रखंड और गोपालपुर प्रखंड के जिला परिषद प्रत्याशी कुमारी गुड़िया से बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जनता की सेवा करना, विकास करना, यही हमारी लक्ष्य। जनता का सेवा और विकास करने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। क्षेत्र में प्रचार कर रही हैं, अच्छा लग रहा है उनके। विकास करेंगे, अपना विकास, क्षेत्र का विकास, क्षेत्र का विकास करेंगे। चलिए, आप चुनाव जीतती हैं, अगर जनता का समर्थन आपको मिलता है, इस क्षेत्र के लिए क्या क्या काम करेंगे? जो अधूरे कार्य हैं उसको पूरा करेंगे, उसके बाद सड़क नाले का समस्या पूरा करेंगे, मनरेगा से रोजगार देंगे और जिसको घर नहीं है उसको घर दिलवाएंगे। क्षेत्र की जनता आपको वोट क्यों दे रही? क्योंकि कोरोना काल में भी सब आए, बाढ़ में भी, कोरोना काल में भी क्षेत्र के लोगों को सहयोग पहुंचाएं, बाढ़ में भी इस परिवार के लोगों ने सभी को सहयोग दिया। क्या इस क्षेत्र की जनता के हर सुख दुख में आप लोग खड़े रहते हैं? जी, हर सुख दुख में। कोई जाति की राजनीति कि सबको लेके चलते साथ में? सबको लेके चलते हैं, अमीर गरीब कुछ नहीं, सब किसी को नहीं देखते, सब एक समान। चलो, इस क्षेत्र की क्या क्या समस्या है? इस क्षेत्र की बाढ़, बाढ़ की समस्या, गांव घर में हॉस्पिटल की समस्या, सड़क की समस्या। ये तीन चार समस्याएं हैं मुख्य रूप से। हर पंचायत में महीना में एक बार जनता दरबार लगा के समस्या सुने। क्या जातिगत राजनीति करेंगे किसी एक जाति के लिए? नहीं। किसी जाति के लिए घुसखोरी होगी आपके कार्यकाल में? नहीं होगी। शिक्षा पर काम होगा? शिक्षा पे भी कार्य करेंगे। शिक्षा पर जनता नहीं सुन पा रही, शिक्षा पर कार्य करेंगे। हॉस्पिटल में सुधार होगा, डॉक्टर की व्यवस्था होगी, की व्यवस्था होगी, डीलर की मनमानी पर रोक लगेगी। जी। फिर से एक बार महिला सशक्तिकरण पे ध्यान देंगे। चलिए, अगर हम फिर से जानना चाहें, आपने 10 काम गिनाए क्षेत्र की जनता के लिए काम करेंगे, फटाफट में 5 काम जनता को बता दिए, इसको पहले करेंगे। शिक्षा में सुधार होगा? शिक्षा में सुधार, चिकित्सा में सुधार, खेलकूद का मैदान भी बनेगा, जनता दरबार, जनता दरबार लगवा, मनरेगा से रोजगार मिलेगा। चलिए, मनरेगा से रोजगार मिलेगा। क्षेत्र में जब जाते हैं क्या लगता है, जीत को लेकर आश्वस्त हैं? जी। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करती हूँ कि एक बार मौका दे। आप उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे? उसके वादे पर खरे, वादे पर खरा उतरेंगे। क्या नाम है आपका? कुमारी गुड़िया। जिला परिषद के उम्मीदवार हैं। जी। गोपालपुर से। हाँ। आप समर्थक हैं? जी। क्षेत्र में घूमते हैं, कैसा अनुभव हो रहा है? अच्छा अनुभव हो रहा है। अच्छा, वहाँ का पब्लिक जो है, सब कोई नया कैंडिडेट ढूंढ रहा है, नया कैंडिडेट का तलाश कर रहा है, जो अच्छे फैमिली से जुड़े हुए हैं, जो इस समाज में काम करेगा, ऐसा वैसा जिला परिषद। क्षेत्र की जनता क्या चाहती है, काम करने वाला या टाइम पास करने वाला? काम करने वाला जनता। क्या नाम है? मेरा नाम दिलार सिंह है। नगर पारा। पूरा
पूरा नगर पड़ा पूरा। भाई साहब घर कहाँ है आपका? मेरा बाका। अच्छा बाका हुआ, इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में अपनी बहन का प्रचार कर, बहन का प्रचार कर रहे हैं। क्या लग रहा है, घूमते हैं तो क्षेत्र की जनता जिताएगी बहन को? लग रहा है विश्वास? जनता से मिलते हैं तो बहुत सारे लोगों का प्यार भी मिल रहा है। प्यार भी मिल रहा है और सपोर्ट भी मिल रहा है जनता का। कितना उम्मीद है आपकी बहन जीत रही है? ये तो जनता पे, आपको क्या लगता है? हमको तो 100% लगता है जीत जाएगी। भाई साहब क्षेत्र घूम रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या अनुभव है? अच्छा अनुभव है। क्षेत्र की समस्या क्या आ जाते हैं? क्षेत्र की समस्या यही है कि नया नया उम्मीदवार आए तो अच्छा काम करे, यही क्षेत्र की है। जो पुराना है उससे वो लोग सुख समर्थन अच्छा मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोगों का प्यार है। बहुत प्यार है। जीत को लेकर आश्वस्त है? आश्वस्त है। भाई साहब क्षेत्र घूमते हैं? हाँ घूम रहे हैं। उम्मीदवार प्रतिनिधि, आप उम्मीदवार के प्रतिनिधि के भाई हैं? नहीं, उम्मीदवार जो है ना। हाँ हम देवर। अच्छा आप वही प्रतिनिधि के भाई हुए आप क्षेत्र जाते हैं, क्या लगता है इस बार? पब्लिक जो है बदलाव चाह रही है। बदलाव चाह रही है, चाह रही है। जनता आपके घर में वोट जो देगी उसका क्या कारण है? अपना जो विपक्षी है ना वो काम जो है नहीं किया है, इसलिए सोच रहा है बदलाव। आप काम करेंगे? हाँ काम करेंगे। लेके करेंगे? नहीं। तब निस्वार्थ भावना से, निस्वार्थ भावना से काम करेंगे। पब्लिक मान सम्मान भी खोज रही है जो आपसे मिलेगा। हाँ भरोसा दिला रहे? पूरा भरोसा दिला। क्या लगता है इतने दिन से घूम रहे, पहले भी घूमे आज भी घूम रहे, क्या लगता है जनता के साथ है? हाँ जनता को पूरा साथ है। जीतेंगे? 100% जीतेंगे। धन्यवाद। बदलाव, बदलाव तो चाहिए। आज तक जल्दी काशी नहीं हो पाया गंगा प्रसाद का, फिर आता है झूठ बोल के जाता है, खाली करता है। इस बार जिला परिषद में किसका उम्मीद है और क्या लगता है बदलाव होगा? हम लोग नया कैंडिडेट चाहते हैं जो हमारी उम्मीद को पूरा करे, और हमें लगता है कि गुड़िया कुमारी से बेहतर कोई नहीं। बहुत अच्छा। क्या लगता है 5 साल में विकास हुआ इस क्षेत्र में? कुछ नहीं, जीरो जीरो। नगण्य, एकदम नगण्य। कौन विकास कर सकता है इस क्षेत्र का? जो नया आ जाए। अभी नया है? अभी नया है, अभी लड़िए, अभी विकास करिए। नहीं हम नहीं कर पाएंगे। तब कौन करेगा? जो मेरे हमको लगे कि हमसे जो सज्जन रहे वो विकास करे। कौन? गुड़िया कुमारी। गुड़िया कुमारी विकास करे? बिल्कुल लगता है, 100% लग रहा है। इस क्षेत्र का विकास, इस क्षेत्र का जिला परिषद में के पद पर रहकर कौन विकास कर सकता? कुमारी गुड़िया विकास करेगी। चपरघर नटरिया का प्रति व्यक्ति है, वो खंडौनी परिवार से जुड़े हुए हैं, वो मुखिया पद रह चुके हैं, और इस क्षेत्र का विकास कर सकता है तो वही एक कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। किसको वोट दीजिए? हम कुमारी गुड़िया को देंगे गोपालपुर प्रखंड में। कब तक बोलेंगे ये बात? जिंदगी भर जब तक सोच रहेगा तब तक बोलेंगे। हम तो चाहते हैं जिला परिषद वही जीते, कुमारी गुड़िया, और इससे ज्यादा क्या बोलते हैं? वर्तमान जिला परिषद काम किया है? नहीं, कोई काम नहीं। वो तो समझिए कि नाम का जिला परिषद है, काम का कुछ है ही नहीं। कुमारी गुड़िया ही जीते। क्षेत्र का विकास जिला परिषद बनकर कौन कर सकती है या कर सकती है? हम लोग कुमारी गुड़िया को बना रहे हैं, ये भी विकास फाइनल है, ये पूरा मान के चलिए पूरा जिला में हम लोग चल रहे हैं, ये परगने पूरा जिला कब कर रहे हैं विकास। विकास करेगी कुमारी गुड़िया? नंबर वन पे, उसमें हम लोग 100% गारंटी, इसको कोई नंबर वन नहीं है। विकास करने की कोई टेंशन नहीं है। कौन जीतेगा? कुमारी गुड़िया जीतेगी। कौन जीतेगा? कुमारी गुड़िया जीतेगी। कुमारी गुड़िया, कुमारी गुड़िया, कुमारी गुड़िया, कुमारी गुड़िया जीतेगी। क्या नाम? क्या नाम? मेरा नाम दीपक सिंह। घर? गोपालपुर। राजवा क्षेत्र गोपालपुर का गांव है। नाम से गोपालपुर है। मरदेव कुमार सिंह। क्या नाम? फाइनल फाइनल फाइनल। इधर उधर कहीं नहीं।
तब कुछ नहीं, कुछ नहीं, गुड़िया कुमारी को देगा तो गुड़िया कुमारी को देगा, बस जीतेगा वो अगर वो पैसा भी देगा तो हम वोट देंगे कुमारी गुड़िया।